So surface tension, the property of a liquid due to which it tries, due to which its free surface tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretched membrane. So I'll give you some examples for this. जैसे आप देखते हैं कि अगर रात को हमने दूध रख दिया फ्रिज में, ठीक है, तो सुबह उठकर जब देखेंगे तो आप दूध बाहर निकालेंगे तो दूध के ऊपर क्या मिलेगा आपको, है ना, यानी मलाई, ठीक है, क्रीम, जो कि आप देखोगे अगर ध्यान से आपको दिखेगा वो पूरा स्ट्रेच्ड है, ऐसा लगेगा आपको वो हर तरफ से कैसा है, खिंचा हुआ है, एकदम स्ट्रेच्ड, एकदम अच्छा लेयर बन जाता है मिल्क के क्रीम का. और अगर आप उसको निकालो तो पूरा का पूरा लेयर एक साथ स्लाइड करेगा, राइट. तो आप उसको ध्यान से देखो कैसा है, एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, यानी आपको समझ में आएगा कि सरफेस जो है उसका वो कैसा हो गया, पूरा स्ट्रेच्ड हो गया. दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मानो कि मस्कीटो है या हाउस फ्लाई है, तो ये जो है जब पानी में बैठते हैं दे कैन, यू नो, दे कैन स्टैंड ऑन वाटर, वी कैन नॉट स्टैंड ऑन वाटर, क्योंकि हमारा वेट बहुत ज्यादा है, हमारे वेट को ये सरफेस टेंशन यानी सरफेस पे जो फोर्स क्रिएट होने वाला है वो बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन एक मस्कीटो के वेट को बैलेंस कर सकता है. इसलिए मस्कीटो जब उस पर खड़ा हो जाता है एक लिक्विड पे, राइट, तो उसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे कि उसके पैर उस सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, उस सरफेस को दबा रहे हैं अंदर की तरफ, यानी इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, द सरफेस अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, करेक्ट, जैसे कोई ड्रम है. तो अभी ड्रम जो है तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन स्ट्रेच किया, सही है, और उस मेम्ब्रेन को हर साइड से स्ट्रेच किया, यानी यहाँ से भी उसको हमने खींचा हुआ है और यहाँ भी हमने कनेक्टर्स लगाए, फिर यहाँ लगाया, तो इस तरह से हर साइड पे हमने उसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, यानी हर तरफ से ये स्ट्रेच्ड है, पूरा खिंचा हुआ, इट्स अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है. तो जिस तरह से वो ड्रम का जो सरफेस है, ड्रम के ऊपर, राइट, जो वो लेदर का या प्लास्टिक का जो सरफेस है वो जैसे स्ट्रेच्ड है, उसी तरह से लिक्विड का एक सरफेस स्ट्रेच्ड होता है एकदम. तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो अभी ऐसा क्यों होता है, राइट, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो उसके लिए हम लोग ने ये डायग्राम बनाया. तो आप देखो इस डायग्राम में चार मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, ए बी सी डी, करेक्ट. तो इसमें जो मॉलिक्यूल ए है उसके बारे में देखेंगे हम लोग. तो यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में ऐसा हमने एक छोटा स्फीयर बनाया और वहां पे एक डॉट है, तो वो जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो स्फीयर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहां तक उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है. तो उसका जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, उस रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर से. और यहां पे ये जो पी क्यू आप देख रहे हो, पी क्यू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री सरफेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री सरफेस. तो जो पी क्यू आप देख रहे हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग फ्री सरफेस. फ्री सरफेस मतलब जहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दोज मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, दोज मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, और वहां से आर डिस्टेंस नीचे, यानी वहां से मॉलिकुलर रेंज नीचे हमने एक और लाइन खींचा है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम आर एस कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, आर एस, समझ में आप लोगों को. तो अब यहां पर देखिए कि जो मॉलिक्यूल ए है, तो मॉलिक्यूल ए जो है वो लिक्विड के अंदर है, उसका कोई लेना देना नहीं है एटमोस्फेयर से, सही है. तो इसको हम लोग कह सकते हैं बल्क, और ये जो ऊपर है इसको हम कह सकते हैं फ्री सरफेस. तो यहाँ दो चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक तो बल्क के बारे में डिस्कशन हो रहा है और दूसरा डिस्कशन हो रहा है फ्री सरफेस के बारे में. तो सरफेस टेंशन ऐसा फेनोमेना है जो कहां पे होगा, फ्री सरफेस पे, बल्क में कि बल्क में नहीं होगा. तो बल्क में क्यों नहीं होगा, तो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इसके इधर इसके पास जो मॉलिक्यूल है तो इसके चारों साइड इसके थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, एग्जैक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे, वो टोटली बैलेंस्ड हैं,
यानी नेट फोर्स कितना है, जीरो है। तो जो मॉलिक्यूल ए है उस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, जीरो है। इसलिए वो मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव कर सकता है वाटर के अंदर, इट कैन फ्रीली मूव इनसाइड द वाटर। उस पे कोई एक नेट फोर्स का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि फोर्स नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, उसको नीचे ही जाना है ऊपर ही जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट मॉलिक्यूल बी। जो मॉलिक्यूल बी आप देख रहे हो, तो मॉलिक्यूल बी भी यहां दिख रहा है कि उसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो भी जस्ट इनसाइड दिस फ्री सरफेस है। जो मॉलिक्यूल बी है उसका भी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इट इज ऑल्सो इनसाइड द फ्री सरफेस, अंदर है। इसका मतलब उस पे भी नेट फोर्स जीरो, उस पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बॉटम यानी इसका जो बेस है, बेस से लेकर यहां तक जो भी मॉलिक्यूल्स है, बेस से लेकर यहां तक जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है। तो वो फॉर्म करता है बल्क, वो क्या फॉर्म करता है, बल्क। मतलब उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो सब पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। ठीक है, इसलिए वो एक तरह से स्टेबल है, ठीक है, और नेट फोर्स जीरो है उन पे। लेकिन अब बात करते हैं मॉलिक्यूल सी और मॉलिक्यूल डी की, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो तो मॉलिक्यूल सी जो है इस पे भी नेट फोर्स कितना है, जीरो है, ठीक है। ये वो लास्ट मॉलिक्यूल है जिसपे नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर आप बॉटम से लेके यहां तक देखोगे तो दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल जिसपे नेट फोर्स क्या है, जीरो। इसके बाद के जितने मॉलिक्यूल इस लेयर में लाई करेंगे तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसमें अभी हम लोग ले लेते हैं मॉलिक्यूल सी के बारे में। तो मॉलिक्यूल सी जो है आप देख रहे हो कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इस फ्री सरफेस के बाहर है, सही है। उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा फ्री सरफेस के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स है, उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्या चीज, नेट डाउनवर्ड फोर्स वो नेट अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर है। यानी जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो मॉलिक्यूल्स हो सकते थे वाटर के, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स जो उसको फोर्स लगा के खींच रहे वो नंबर में कम है, उनका नंबर कम है। और नीचे जो मॉलिक्यूल्स है जो इसके इस पूरे आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे लाई कर रहे हैं और जो यहाँ ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स कम है क्योंकि ऊपर वाले सिर्फ इस पे लाई कर रहे हैं, राइट। जो मैंने ये शेड नहीं किया ये पोर्शन, राइट, इसमें जो मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं बस वही उसको फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, नेट अपवर्ड फोर्स। और नेट डाउनवर्ड फोर्स ये पूरा हेमिस्फीयर पे लाई करने वाले मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो नेट अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो जो भी मॉलिक्यूल्स आर एस और पी क्यू में लाई कर रहे होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इस वही में आप लोगों को, तो ये जो आप देख रहे हो इस लेयर को हम लोग कहते हैं लिक्विड फिल्म। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड फिल्म। यानी द लिक्विड एनक्लोज बिटवीन द फ्री सरफेस एंड आर एस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। आर एस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। आर डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस, आर डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस और मॉलिकुलर रेंज, आर क्या है, मॉलिकुलर रेंज है। तो उतना नीचे फ्री सरफेस से एक सरफेस लेंगे तो दैट फॉर्म्स द फिल्म, लिक्विड फिल्म। समझ में आ रहा आपको, यानी उस लिक्विड फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दोस मॉलिक्यूल्स आर एक्सपीरियंसिंग अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस मॉलिक्यूल्स कॉज टेंशन, कॉज सरफेस टेंशन, दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो
ऐसे ही मॉलिक्यूल डी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो मॉलिक्यूल डी जो है, तो मॉलिक्यूल डी का जो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो तो एटमॉस्फेयर में है, यानी वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स है, वहां पे क्या है, ये तो एयर मॉलिक्यूल्स है, और एयर मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो लिक्विड के साथ इंटरेक्शन है, एयर और लिक्विड का इंटरेक्शन, वो तो मिनिमम है, यानी जो अपवर्ड फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अपवर्ड फोर्स इज ऑलमोस्ट। तो मॉलिक्यूल डी जो है उस पर जो अपवर्ड फोर्स है इट इज नेग्लिजिबल, और जो डाउनवर्ड फोर्स है उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज टू लार्ज। देयरफॉर द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे दैट इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स, वो बहुत ज्यादा एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड ड्यू टू दैट बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट, ऑल द मॉलिक्यूल्स, सो बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस अपीयर्स टू बी स्ट्रेस्ड, सरफेस अपीयर्स टू बी स्ट्रेस्ड, सरफेस इज नॉट लाइक बल्क, बल्क में देयर इज नो नेट फोर्स ऑन एनी मॉलिक्यूल, बट सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी हर मॉलिक्यूल जो है वो खींच रहा है नीचे की तरफ, समझ में आपको। तो जैसे आप तीन मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, राइट, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी नीचे की तरफ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये इस मॉलिक्यूल को, राइट, इनके आपस में इंटरेक्शन है और इनके आपस में इंटरेक्शन है, तो मान लो अभी आप इसको सिस्टम ले लो, तो ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये जो भी नीचे मॉलिक्यूल है उसके अबाउट ये ऐसे खींचना चाहता है, समझ रहे आप, स्ट्रेच्ड, इट इज अपीयरिंग टू बी स्ट्रेच्ड, तो पूरा जो सरफेस है दैट इज अपीयरिंग टू बी स्ट्रेच्ड। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूल ए, तो मॉलिक्यूल ए क्या है, इट इज वेल विद इन द लिक्विड, सो इट इज अट्रैक्टेड इक्वली ऑल द डायरेक्शन, सो नेट फोर्स क्या होगा उस पे, जीरो होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है। और जो मॉलिक्यूल बी है इट इज अ लिटिल बिलो द फ्री सरफेस, तो थोड़ा नीचे है वो बिलो द फ्री सरफेस, सच दैट इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द फ्री सरफेस, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज इनसाइड द फ्री सरफेस, तो उसके आसपास सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल है, भले ही वो सरफेस के पास है लेकिन फिर भी उसके आसपास क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए उस पर नेट फोर्स से कितना है, जीरो। यानी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉटम से लेके ये आरएस तक ये बल्क वाला पार्ट है, यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बाद में आइए मॉलिक्यूल सी पे, तो मॉलिक्यूल सी जो है इट इज जस्ट बिलो, यानी थोड़ा जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, ताकि थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो फ्री सरफेस के कहां चला गया, बाहर चला गया, राइट, सच दैट इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज अ लिटिल आउटसाइड द फ्री सरफेस, फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ राइट, उसको जो उसको ऊपर खींच रहे अट्रैक्टिंग सी अपवर्ड्स इज लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लोअर हाफ अट्रैक्टिंग इट डाउनवर्ड्स, तो नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड्स है, वेरी गुड, देयरफॉर सी एक्सपीरियंस द नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब मॉलिक्यूल डी जो है यानी जो एकदम सरफेस पे है तो उसपे क्या हो रहा है, इज जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अपर हाफ में तो लिक्विड है ही, तो उसपे पूरा का पूरा फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए द मॉलिक्यूल डी इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द सरफेस विल एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड देयरफॉर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और हर जितना मॉलिक्यूल सब इसलिए हर जगह से वो खींचा हुआ है, तो इट इज लाइक अ यू नो लाइक अ ड्रम, जैसे ड्रम में मैंने बताया आपको कि जैसे वो मेम्ब्रेन हर जगह से खींचा है, ऐसे नहीं कि आप बस दो एंड से खींच दो और वो ड्रम बन जाएगा, आपको उसको हर एंड से खींचना होगा, राइट, सब तरह से आपको खींचना होगा तब वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनेगा। तो वैसे ही लिक्विड का सरफेस भी वो हर तरह से खींचा हुआ है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो स्ट्रेच है वो हर मॉलिक्यूल वो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा लिक्विड सरफेस ही स्ट्रेच है, ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को, ठीक है।